ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर के लूणू मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम में स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा फ्लोर बॉल राष्ट्रीय कोचिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 19 राज्यों के 142 स्पेशल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस कोचिंग कैंप का शुभारंभ प्रदेश के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने किया, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर जमकर निशाना भी साधा। मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को खेल जगत में आगे बढ़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने के मकसद से बिलासपुर के लूणू मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम में स्पेशल ओलंपिक भारत के तत्वावधान में फ्लोरबॉल को लेकर 5 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय कोचिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने किया। वहीं इस कैंप में देश भर के 19 राज्यों के 142 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिन्हें फ्लोरबॉल की बारीकियां समझाई जाएंगी, ताकि आने वाले समय में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश व देश का नाम रोशन कर सके। वहीं इस खास मौके पर महेंद्र सिंह ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिलासपुर के अलीखट पुल के नीचे रिजर्वायर बनाकर पीने व सिंचाई के लिए बड़ा प्रोजेक्ट बनाए जाने की बात कही, जिसको लेकर इंजीनियर्स को सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। अलीखट है, अलीखट के ऊपर जो पुल बना हुआ है, इस पुल के नीचे अगर आप देखें, आपकी इंजन चेक करें, अगर वहाँ पर अगर पानी को रोक करके एक बहुत बड़ा रिजर्वायर अगर बना दिया जाए, तो उससे केवल मात्र पीने के पानी की ही प्यास नहीं बुझेगी, बल्कि उससे यहाँ की जो धरती है, जो उपजाऊ भूमि है, वहाँ के लिए भी सिंचाई के लिए पानी मिल सकता है। उस बारे में हमने आगे काम करना शुरू किया। मैंने अपने इंजीनियर्स को कहा है, आप इसका सर्वे करें, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इस पर आगे बढ़ करके काम करें और तुरंत करें, ताकि ये बहुत आवश्यक है। बिलासपुर जिला अब आने वाले समय के लिए एक उभरता हुआ जिले के रूप में जो है सामने आ रहा है। एम्स में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। यहाँ हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा है, वहाँ पर बहुत बड़े पानी की आवश्यकता है। यहाँ शहर का विस्तारीकरण होगा, वहाँ भी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। इस करके पहला तो हमने इसको शुरू करने के बारे में सोचा है कि इसकी सारी सर्वे इन्वेस्टिगेशन करने के उपरांत इस पर आगे बढ़ेगा। साथ ही महेंद्र सिंह ठाकुर ने पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अवैध खनन होने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों को निजी फायदा पहुंचाने के चलते ही किरतपुर से निरचौंक फोरलेन कार्य ठप होने का दावा किया, तो साथ ही पाकिस्तान में गुरुद्वारे में हुई पत्थरबाजी और एक सिख की मौत पर दुख जताते हुए CAA को पीड़ितों के लिए जरूरी बताया है। कांग्रेस सरकार के टाइम में तो बड़ा भारी अवैध खनन हुआ है। ये जो ये भी अवैध खनन में आता है, ये जो आपकी फोर लेन का काम रुका है, ये फोर लेन का काम क्यों रुका, ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पत्रकार मित्रों से पूछना चाहता हूँ, क्यों रुका उस वक्त काम? क्योंकि यहाँ चंद एक लोगों को अपने सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ गए। सेल्फ इंटरेस्ट जब राष्ट्रीय इंटरेस्ट के साथ जुड़ जाए तो सब जो फिर बेड़ा गर्क हो जाता है। आज यही वजह है कि ये हमारा जो फोर लेनिंग का काम है, ये उस वक्त की वजह से रुका पड़ा है, अदरवाइज ये शायद ये काम ना रुकता। जिस जो कंपनी काम कर रही थी, अगर उनको उनको उनका शोषण न किया गया होता तो ये काम आगे बढ़ता और ये काम आज तक पूरा होता। और आज जो हमारा भारत से आने वाला पर्यटक है, उसको सारी सुविधाएं जो है यहाँ पर मिलती। अब दोबारा से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी प्रयास कर रहे हैं। अब आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, होगा ही, लेकिन इसमें एक विलम्ब आ गया। पाकिस्तान में जो हमारा गुरुद्वारा है, हमारे सिख समुदाय के हमारे भाई अपने वहाँ जो उनकी धार्मिक भावना वहाँ से जुड़ी हुई है, जब वो वहाँ पर पूजा अर्चना करने गए तो उनके ऊपर पथराव किया गया और एक हमारा सिख भाई जो है उसको पाकिस्तान के अंदर उसको उसकी हत्या कर दी गई। तो जो कांग्रेस के लोग CA को नहीं मानते हैं, ऐसे लाखों परिवार हैं, लाखों लोग हैं जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो जिनको वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित होने के उपरांत जो हिंदुस्तान के अंदर आकर के पहुँचे हैं, जो अनेक समुदायों के अनेक प्रदेश के हैं, अब उनको नागरिकता देना क्या पाप है? जो कांग्रेस पार्टी पहले कहती थी कि हम इस कानून को लाएंगे, अब रातों रात उनकी सोच बदल गई, लेकिन अब उनकी समझ में ही आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो अमित शाह भाई ने किया हुआ है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है।
सही दिशा पे है, सही रास्ते पे है।